Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aap mein se ek bhai ne request ki ke sir please aap se meri request hai ki aapne Seerat Imam Hussain par badi tafseel se baat ki hai, Karbala par bhi badi tafseel se baat ki hai, lekin mere kuch sawalat aur main Sunni hu, lekin mere sawalat par please gaur kijiye aur is par tehqeeq kijiye. Kya waqai Hazrat Imam Hussain ka safar ghodon par tha? Kyunki jahan jahan hum dekhte hain ghodon ka zikr hi koi nahi aur अचानक मैदान जंग में घोड़े नमूदार हो जाते हैं। क्या ये किस्से कहानियां तो नहीं है कि घोड़ों की किस्से कहानियां बना ली किसी ने और फिर बाद में शामिल कर लिया? आपको तो पता है कि जाकिरीन का क्या हाल है और इन किस्सा तराशों का क्या हाल है। इन्होंने ऐसे ऐसे किस्से किताबों में फिर बाद की किताबों में दाखिल हो गए क्योंकि वो इतने मशहूर हो गए। तो आप इस पर प्लीज तहकीक करें और देखें कि क्या जुलजनाह एग्जिस्ट भी करता है या बस एक फर्जी घोड़ा है। तो मैंने कहा कि यार अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है, ये पुरानी बात, लेकिन फिर मुझे मौका मिला कुछ किताबें देखने कि आया देखते तो हैं। तहकीक चल रही थी कि करबला से मुताल्लिक कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने भी खुद ऐसे वाकयात सुन्नी किताबों से आपसे बयान किए हों जो बाद में दाखिल किए गए वाकयात में से हों। तो जुलजनाह जो हजरत इमाम हुसैन का घोड़ा है उससे मुताल्लिक कुछ तहकीकात मेरे सामने आई, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तहकीक सामने रख रहा हूं मैं, आप तो इसको तहकीक के तौर पर ही देखिएगा, ठीक है? तो क्या आया जुलजनाह का किस्सा एग्जिस्ट करता है या इमाम हुसैन के साथ सफरे करबला में घोड़ा साबित ही नहीं है? तो जुलजनाह कैसे साबित हो गया? तो आइए इस जमीन में इब्तिदा करते हैं। एक शिया मौर्रिख नासिखुत तवारीख शिया हजरात की किताब है, तो मिर्जा तकी शिया हैं, लिखते हैं कि जुलजनाह, ये फारसी में इसका तर्जुमा मैं आपसे जिक्र करता हूँ, कि ये जो लोगों ने इमाम हुसैन का जुलजनाह नामी घोड़ा मशहूर कर रखा है, मुझे तो ये नाम हदीस तारीख और अखबारी कुतुब में कहीं भी नहीं मिला है। हकीकत तो यह है कि शिमर बिन लहिया नामी आदमी का लकब जुलजनाह, ये नासिखुत तवारीख में मिर्जा तकी शिया खुद लिखता है, वह जुलजनाह का नाम दाश्तो बाशुज दरहेज कुतुब अहादीस अखबार व तवारीख मोतबरा नदीदा अम व जुलजनाह दर हकीकत लकब शिमर पिसर लहिया अस वास्पेज किसरा बदीन नाम नाशुनीदा आम कि मैं तो जानता ही नहीं कि मुझे नहीं मिला कहीं पर। तो बहरहाल, तो जब हजरत इमाम हुसैन रवाना हुए तो घोड़े का कहीं भी नामो निशान नहीं, बल्कि आपका सफर ऊंटनी पर है और जुलजनाह तो शिमर नामी एक शख्स का लकब था। अब इस जमीन में हमारे पास डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो है मक्तल में इसे लिखते हैं, जिबह अजीम के पेज 165 पर अबू मखनफ के हवाले से लिखते कि हजरत इमाम हुसैन का सफर क्या था, ऊंटनी पर था और जुलजनाह तो शिमर नामी एक शख्स का लकब था। फअखذ محمد بن الحنفية زمام ناقة, तो हजरत मोहम्मद इब्न हनफिया जो हजरत इमाम हुसैन के भाई थे उन्होंने ऊंटनी की मुहार पकड़कर आपको रोकना चाहा। तो ये स्टेटमेंट आती है ताहिरुल कादरी साहब की किताब में। आगे अबू मखनफ जो मशहूर शिया रावी है उसके तारीख से, अच्छा कूफे जाते हुए रास्ते में जो एक शायर है फरसदुक उससे मुलाकात हुई, तो हजरत इमाम हुसैन ऊंटनी पर ही सवार थे। अब देखे ना तारीख तबरी में, थुम्मा हरक अल हुसैन राहिला इनाकत फकाल अस्सलाम अलैका थुम्मा इफ्तरका, इमाम हुसैन ने कूफे जाते हुए रास्ते में चंद लम्हे फरसदुक से मुलाकात की और कूफियों का हाल पूछा और फिर अपनी ऊंटनी को हरकत दी और अस्सलाम अलैका कहकर चल दिए। तारीख तबरी जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 218। अच्छा इसी तरह कशफुल गमा नामी किताब में इमाम हुसैन करबला पहुंच गए तो अभी ऊंटनी ही पर सवार थे, तो فقال عليه السلام هذا كربلاء موضع كرب وبلاء هذا مناخ ركابنا ومحت رحالنا ومقتل رجالنا, कि इमाम हुसैन ने फरमाया ये करबला जो दुखों की जगह है, हमारी ऊंटनियों के बैठने की जगह है और ये हमारे कजावे रखने की जगह है और ये हमारे मुर्दों की हमारे मर्दों की शहादत की जगह है। तो ये भी आता है। अच्छा फिर आ जाए इब्ने असीर अल जुजरी ने अल कामिल की जिल्द 4 सफा 61 पर जो लिखा है कि दौरान जंग इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया ना उस वक्त भी आप ऊंटनी पर सवार थे, कि ثم ركب الحسين راحله وتقدم الى الناس ونادى بصوت عال يسمعه كل الناس, यानी जब इमाम हुसैन आखिर में तन्हा रह गए तो ऊंटनी पर सवार होकर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए, ثم ركب الحسين راحله وتقدم الى الناس, और फिर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए, ونادى بصوت عال, और बुलंद आवाज से लोगों को मुखातिब किया, يسمعه كل الناس, जो
जिसे सब लोग सुन रहे थे, तो यहाँ पर भी ऊंटनी का जिक्र है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाएं तो देखें, द बॉटम लाइन इज के जब इमाम हुसैन मदीने से चले तो मुसनात नामी ऊंटनी पर सवार, रास्ते में फरसदुख से मिले तो भी ऊंटनी पर सवार थे, करबला पहुंचे तो भी ऊंटनी पर सवार थे, और आखिर में खुतबा दिया तो भी ऊंटनी पर सवार थे। तो फिर सवाल यही पैदा होता है ना कि आखिर ये जुलजना नामी घोड़ा फिर आया कहां से। जितनी आप तवारीख उठा के देख लें, शिया हजरात की भी सुन्नी हजरात की भी, तो उसमें तो घोड़ा कहीं मिलता ही नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी बढ़ा दिया है फकत जेब दास्तां के लिए, बाद में सब दाखिल कर दिया गया। बहरहाल ये तहकीक है, काबिले गौर बात है, तो इसीलिए मैंने आपके सामने तहकीक रखी है कि पता नहीं ये जुलजना था भी कि नहीं था। एक क्वेश्चन पैदा होता है। बहरहाल के आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा। हो सकता है मेरी नजर से जो किताबें गुजरी हैं शिया या सुन्नी हजरात की, जो इस जमीन में जुलजना का कहीं जिक्र ही कहीं नहीं है पूरे सफर में, तो आपके यहाँ कोई ऐसी तहकीक है जिसके अंदर जुलजना का जिक्र शुरू से मौजूद हो, घोड़ों का जिक्र ही कोई नहीं है पूरे सफर में। एनीवे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब to Syed Saad Qadri.